और यहाँ पे सुप्रसिद्ध ऊपर बैंगलोर के ऊपर नाम भी लिखा है, तो अगर आप खेलकर आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आना। ये दो बाइक है और यहाँ पे अपने राइडर्स लोग हैं। सो गाइस यहाँ पे अभी हम जस्ट रुके, तो ये जो व्यू है ये एक प्रॉपर घाट है। कौन सा घाट है ये? गिरगर्दन घाट, तो इधर था गिरगर्दन घाट। सो गाइस आप देख सकते हो ये पूरा क्लाइमेट यहाँ का, अभी वैली व्यू है सामने पूरा। सो गाइस फाइनली यहाँ से अभी निकलने वाले, ये अपना एक बुलेट है यहाँ पे और दो NS है। तो ये देखिए ये दो बाइक है और यहाँ पे अपने राइडर्स लोग हैं, तो ये सब हमारे साथ आने वाले हैं। सो गाइस यहाँ से भी हम पेट्रोल भर के निकलने वाले हैं। ये कामोटी का पेट्रोल पंप है, फुल करा चाहिए। अभी जस्ट देहू रोड से हम अभी यहाँ से राइट लिए, तो यहाँ पे नीरा पियेंगे और थोड़ा फ्रेश होके भी निकलेंगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी बजे सुबह के 9 और आज यहाँ का हमने नाश्ता किया है। यहाँ पे पीछे केड़गर में एक फेमस वड़ा पाव है जो है वड़ा पाव सेंटर, और यहाँ पे सुप्रसिद्ध ऊपर बैंगलोर के ऊपर नाम भी लिखा है, तो अगर आप खेलकर आओगे तो यहाँ पे ज़रूर आना। ये यहाँ का मार्केट है, आप देख सकते हो हमारा होटल आगे है, और ये रहा वो A1 वड़ा पाव सेंटर खेड़गर। तो बस यहाँ पे अभी हम जस्ट रुके और यहाँ पे आपने देखा रहेगा यहाँ का ड्रोन शॉट। प्रॉपर घाट है, कौन सा घाट है ये? गिरगर्दन घाट, तो इधर था। ये एक महाबलेश्वर जाने के लिए घाट है केड़गर से, तो एक ही घाट लगता है आपको, केड़गर मेढ़ा घाट ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से आप आओगे तो अच्छे अच्छे स्पॉट है जहाँ पे आप रुक के ना आगे पूरा वैली देख सकते हो। ये पूरा सह्याद्री रेंज है, नीचे गाँव है सब, यहाँ पर ठंड भी अच्छी है। तो मिलते हैं महाबलेश्वर में। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मतलब ड्रोन शॉट, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मतलब थोड़ा रिस्क है। ये आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। तो अभी हम जाने वाले हैं लिंगमाला वाटरफॉल। लिंगमाला वाटरफॉल यहाँ का फेमस वाटरफॉल है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ज़रूर आना। पर यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है, अगेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो हमने फिर सोचा कि वहाँ पे एंट्री फीस भरने से अच्छा शॉर्टकट ले लिए। तो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको एक शॉर्टकट रोड मिलेगा, जिससे आप बाइक और कार के थ्रू डायरेक्टली लिंगमाला वाटरफॉल के दूसरे स्पॉट तक जा सकते हो। वहाँ से आपको लिंगमाला वाटरफॉल कुछ तो 100 मीटर हार्डली आपको चलना है, डायरेक्ट आप लिंगमाला वाटरफॉल के यहाँ पे पहुँच जाते हो। सो गाइस अभी आपने यहाँ पे देखा, वहाँ से हम लोग आए
और यहाँ से भी नीचे चल के नीचे वाटरफॉल है वो देखने जा रहे हैं। ये देखिए ये फेमस है यहाँ का वाटरफॉल। तो आप देख सकते हो ये पूरा क्लाइमेट यहाँ का अभी। सो अभी बजे 12 दोपहर के और ये देखिए क्लाइमेट और कुछ यहाँ से ऐसे जाने के रास्ता है और यहाँ पे वैली व्यू है सामने पूरा और वहाँ पे सामने स्पॉट है ये ऊपर का देख। सो गाइस स्लिंग वाला वाटरफॉल चल चल के हम थोड़ा आगे आए, मतलब अभी तो वाटरफॉल का व्यू पॉइंट नहीं मिला पर जो नॉर्मल व्यू पॉइंट था छोटा सा वो पहले था, उसके बाद आगे जाने वाले जो बड़ा व्यू पॉइंट है वो तो उस बीच ना जहाँ पे जो जो अच्छा शूट करने मिल रहा है वो शूट कर रहे हैं। और ये देखिए ये पूरा ना कुछ ऐसे यहाँ पे स्टेयर्स है, मतलब रोड है वॉक के लिए जिससे आप ना इजीली वाटरफॉल तक जा सकते हो। मतलब महाबलेश्वर में आपको ना कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे ना ऐसे रूट मिलेगा बाय वॉक, यहाँ से इजीली जा सकते हो। तो ये पूरा ना अभी क्लाइमेट देखिए यार, अलग ही यहाँ का क्लाइमेट बन गया है और पूरा 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 ठंडा हो गया क्लाइमेट, मतलब क्या ही बोलो अभी यहाँ के बारे में। ये देखिए सामने पूरा वो महाबलेश्वर का होटल लाइन है पूरा देख सकते हो वहाँ पे। सो गाइस फाइनली हम लिंग वाला वाटरफॉल के यहाँ पे आ चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे वाटरफॉल है और ये देखिए वाटरफॉल का व्यू कुछ इस तरह है। तो गाइस यहाँ पे हमने कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए लिंग वाला वाटरफॉल के और यहाँ पे आपको अगर आना है तो कैसे आना है उसके बारे में थोड़ा मैंने आपको जानकारी भी दे दी है। दो रूट है, एक तो एक है 25 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस वाला और एक रूट है जो आपको फ्री में मिलता है और उसके लिए आपको ना एक शॉर्टकट लेना पड़ेगा। वहाँ पर बाइक भी जाती है और मोस्टली ज़्यादा नहीं कुछ हार्डली 800 या फिर 900 मीटर ही चलना है और डायरेक्टली आप वाटरफॉल के यहाँ पर आ जाओगे तो ये बेस्ट रहेगा, पर उसका रूट आपको समझेगा नहीं तो अगर नेक्स्ट टाइम आओगे तो कमेंट कीजिए, आपको मेरा जो रूट है वो इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताऊंगा। और बाकी यहाँ का अभी क्लाइमेट हम एंजॉय करके यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ का आवाज़ सुनिए, सो यहाँ के जंगल में आपको यही आवाज़ सुनाई देगा इन कीड़ों का। चलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। तो दूसरा तो वेना लेके, पर वहाँ पे हम रुकने वाले नहीं है क्योंकि ये तो हमारा रेगुलर स्पॉट है, यहाँ पे हम कभी रुकते नहीं। यहाँ पे जो महाबलेश्वर में नए आए उनके लिए ये कुछ देखने लायक है स्पॉट, तो आप यहाँ पे ज़रूर आके रुकना। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसके बाद हम निकल रहे हैं मेरे गाँव में महाबलेश्वर से नीचे कुछ 30 किलोमीटर नीचे, सो वहाँ पे जाके हम एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए जाते हैं। सो गाइज राहुल स्ट्रॉबेरी गार्डन एंड जूस सेंटर, यहाँ पे हमने अभी स्ट्रॉबेरी क्रश और स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम ये खाया। सो यहाँ पे उनका गार्डन है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी थी, आपने ड्रोन शॉट में देखा रहेगा, वो देख लेना ड्रोन शॉट में। और यहाँ से भी हम निकलने वाले हैं चारों टापड़ साइड, तो यहाँ पे ज़रूर आना।
दे, बाकी का तो दे। सो गाइस, अभी आप जो रिवर देख रहे हो ये सोलची रिवर है, जो आगे जाके कोयना रिवर को, कोयना जो डैम है उस डैम को जो पानी लगता है कोयना रिवर का, उस रिवर को ये रिवर अटैच होती है। तो बेसिकली अभी यही चल रहा है दिसंबर, तो दिसंबर में भी देखिए कितना पानी बह रहा है, इतना अच्छा यहाँ पे पानी था। तो हमने यहाँ पे सोचा यहाँ पे आके नहा के जाएंगे मस्त पे की फ्रेश पानी में, तो यहाँ पे हम अभी नहाने आए हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं ज़्यादा जानकारी दे नहीं पाया क्योंकि मैं आया था महाबलेश्वर में मेरे फ्रेंड की शादी में, तो उसका भी मैंने आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, मतलब उसमें भी मैंने कुछ शूट किया नहीं है। तो हम जहाँ जहाँ घूमे वो शादी के दौरान, तो वही मैं आपको दिखाया। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे GoPro के माइक अडेप्टर का इशू होने की वजह से मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो बेसिकली मैंने वीडियो स्टोरी शूट किए थे, पर अभी वॉइस और कितना भी दे दूँ, तो इससे अच्छा मैंने उसको नॉर्मली आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे के वीडियो को एंड किया है। तो ये वीडियो यही तक था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।